नाम है आपका? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल, भारतीय किसान यूनियन। मणिदेव जी, आज आप लोग धरना स्थल पे धरना दे रहे हैं, क्या मामला है? जी आज नहीं, कल हम शाम 7 बजे से बैठे हुए हैं और हमने अधिकारियों को सूचित कर दिया। हमारी समस्या ये है कि 3 दिन चुनाव को लेकर क्रय केंद्र का काम प्रभावित रहा, 5, 6, 7। तो हम कह रहे हैं कि जो 5, 6, 7 जो टोकन किसानों को दिए गए थे और जिनको अंगूठा लगाने के लिए बुलाया गया था, उनका धान ले लिया गया है, उनका जो लग नहीं पाया है 5, 6, 7 तारीख तक, उसको अगला 3 कार्य दिवस बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हम धरने बैठे हैं कि जो किसानों ने धान बेच दिया उनके खाते में पैसा कैसे जाएगा। और एसडीएम सदर ने जो आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर, जो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं गौरी उत्तरवत में, सैदूपुर में, साहबगंज में, चंदौली में, उनका धान कैसे बिकेगा? वो 3 दिन से ट्रैक्टर वहाँ खड़े हैं, भूखे प्यासे किसान वहाँ पे अपने धान की रक्षा कर रहे हैं। तो उनको लेकर के हम किसानों की बात, अभी तक जिला चंदौली में धान नहीं बिका है, अभी भी दर-दर की ठोकर खड़े, उसको लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। जी जो लोग ट्रैक्टर की रखवाली कर रहे हैं, धान की रखवाली, क्या वो लोग अभी मतदान बीता है वोटिंग किए हैं कि नहीं किए हैं? जी बिल्कुल, वो लोग घर वाले छोड़े, मतदान प्रभावित हुआ, लेकिन हमने पूरा संज्ञान नहीं लिया। हो सकता है मे बी कि न किया उनकी वजह से, इनके वजह से, अधिकारियों की वजह से पूरा प्रदेश कहीं न कहीं आज भ्रमित हो गया है। जी तो क्या मांग है आप लोगों की? जी मांग यही है हमारी, जो मैंने कहा कि जिन 5, 6, 7 तारीख में जिन किसानों को अंगूठा लगवाना था, मतलब धान बिक चुका है, उनका अंगूठा नहीं लग पाया है, जिन किसानों का धान बिकना था वो बिक नहीं पाया है, जो 5, 6, 7 तारीख जो चुनाव से प्रभावित हुआ, तो उसको हम अगला कार्य दिवस हमको 8, 9, 10 तारीख मिले, ताकि अपना किसान अंगूठा लगा सके, उनके खाते में पैसा आ सके, और जो किसान धान बेचने आए हैं जिनके ट्रैक्टर खड़ा है, वो धान बिक सके। इस मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए अधिकारियों को सूचित कर दिया कि कोई अधिकारी कल शाम से अभी तक आया नहीं है। मांग पूरी नहीं होने पर क्या करेंगे? अनिश्चितकाल हमारा धरना है, जब तक कोई वार्ता से कोई हल, हमारा अधिकारी वार्ता करे, वो अपनी समस्या बताए, हम अपनी समस्या बताएंगे। हल निकलना चाहिए, हमारी वाजिब मांग है, अगर नहीं होगा तो हम ऐसी कार्य धरने बैठेंगे, हम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि 3 दिन ये कार्य प्रभावित हुआ है, हम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। जी धान फूकने की बात कर रहे थे जी, और निश्चित रूप से हम अपना जो ट्रैक्टर लदे अगर हम नहीं लिया जाएगा तो इनकी वजह से हम अपना धान फूक करके खाली ट्रैक्टर लेके वापस जाएंगे, निश्चित रूप से। तो हमारा धान फूक, जब क्या करेंगे उस धान को बताइए, हमने खाने भर धान रख लिया, उसको बिकना ही था, तो हम क्या करेंगे उसको बताइए, औने पौने दाम पर क्यों बेचेंगे, क्यों बिचौलियों को लाभ पहुंचाएंगे? उससे अच्छा है इस प्रशासन के मुंह पर तमाचा होगा कि हम अपने धान फूक करके खाली ट्रैक्टर, आश्वासन मिला है इसलिए सब खाली ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे। जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की आवाज जनता जनार्दन के साथ, जनता की खबरें जनता जनार्दन के बीच, पढ़ें और जुड़ें तेजी से आगे बढ़ती डिजिटल मीडिया टीवी जनता जनार्दन टीवी, समय के साथ सबसे आगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए जनता जनार्दन टीवी यूट्यूब चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।